पॉवर्टी इज अनदर वर्ड फॉर प्रीकेरियस। सो सबसे पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए, असुरक्षित, अनिश्चित और खतरनाक। ऑप्शंस हैं सिक्योर, एग्जॉल्टेड, अनसर्टेन एंड इम्पॉर्टेंट। तो हमें पता है सिक्योर, एग्जॉल्टेड और इम्पॉर्टेंट तो नहीं होगा, तो इसका जो सेम मीनिंग हम बोल सकते हैं वो है अनसर्टेन। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंट्रेपिड? सो इसका मीनिंग होता है संकट के भय से रहित या निर्भीक। सो वी हैव ऑप्शंस कावर्डली, करेजियस, फियरफुल और टिमिड। सो वेरी ऑब्वियस इट्स ऑप्शन नंबर बी, करेजियस। नेक्स्ट इज चूज द वर्ड विच मीन्स द ऑपोजिट ऑफ क्वेंच। सो क्वेंच मीन्स पानी, जूस वगैरह पीकर प्यास बुझाना। एंड वी हैव ऑप्शंस नंबर वन पार्च, डाउज, एक्सटिंग्विश और स्मदर। सो इनमें जो पार्च है उसका मतलब होता है सूखना, मुरझा जाना, झुलस जाना, ठीक है। तो उसका क्वेंच का ऑपोजिट यहाँ पे पार्च होगा। डाउज एंड एक्सटिंग्विश मीन्स आग बुझाना, एंड स्मदर मीन्स नाक या मुंह कवर करके किसी को मारना। नेक्स्ट वी हैव सिलेक्ट द राइट वर्ड विच मीन्स समथिंग ह्यूज। सो वी हैव ऑप्शंस कल्यूजन, बिहिमत, ट्रिवियल एंड पायटी। सो ऑप्शन नंबर बी, बिहिमत, इसका मतलब होता है बड़ा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू। कल्यूजन मीन्स कोई गुप्त समझौता, बेमानी के तरीके से बोल सकते हैं। ट्रिवियल जो तुच्छ हो, इम्पॉर्टेंट नहीं हो। पायटी जो धर्मप्रायण हो। पिक द ऑप्शन विच इज द एंटोनिम फॉर विशियस। विशियस का मतलब होता है कटु या द्वेषपूर्ण इंसान। सो वी हैव ऑप्शंस पैसिव, सेविज, मर्सीलेस एंड कोडियल। सो हमें पता है कि कोडियल मीन्स सौहार्द और भाईचारे से भरपूर। सो ऑपोजिट ऑफ विशियस वुड बी ऑप्शन नंबर डी। देन वी हैव फाइंड द वर्ड विच हैज द सेम मीनिंग एज क्लीव। क्लीव होता है किसी चीज को ऐसे डिवाइड करना, काटना, है ना, फोड़ना। सो वी हैव ऑप्शंस बिग, कट, लिटिल ग्रीन, वेरी इजी। तो ऑप्शन नंबर बी, कट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अमैस। सो वी हैव ऑप्शंस रेलिगेट, डाइग्रेस, असेंबल, डिसिपेट। सो अमैस मीन्स किसी चीज को संरक्षित करना, स्टोर करना बड़ी मात्रा में, और डिसिपेट होता है कोई चीज घटती जाना, कम होते जाना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।